नित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्तमः पाठः नीति श्लोकाः, जो कक्षा दसम का संस्कृत है, पीयूषम द्वितीय भाग, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। नीति श्लोकाः पाठ परीक्षा के, मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने प्रदान किया है। आप आरंभ से लेकर के अध्ययन करें, परीक्षा में उत्तम अंक अर्जित करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ें। मैंने क्लास 10 से संबंधित सब सामग्री, संस्कृत पुस्तक और व्याकरण से मैंने आपको प्रदान कर दिया है, जिससे आप मैट्रिक परीक्षा में उत्तम अंक अर्जित कर सकें। प्रश्न संख्या एक, विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है? विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है? हमारा उत्तर होगा नीति श्लोकाः। नीति श्लोकाः जो है विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम है, यानी नीति श्लोकाः कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। प्रश्न संख्या दो, नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत। देखिए, दो चीज इसमें दे दिया, नीति श्लोकाः पाठ पूछ देगा कि किस ग्रंथ से लिया गया, तो ग्रंथ कौन है? महाभारत, महाभारत से लिया गया है। और ई महाभारत से ही विदुर नीति है, महाभारत में क्या है? विदुर नीति है, और उस विदुर नीति से संकलित पाठ है आपका। तो ध्यान रखेंगे आप ऑप्शन पर, प्रश्न और ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर को लिखेंगे। ग्रंथ की चर्चा होगी तो महाभारत वहाँ अवश्य मिलेगा, और ये पूछ देगा कि नीति श्लोकाः कहाँ से संकलित है, तो विदुर नीति से। प्रश्न संख्या तीन है कि युद्ध को नजदीक जान करके मंत्री श्रेष्ठ विदुर से नीति विषयक प्रश्न कौन पूछता है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जब जो है महाभारत के युद्ध को नजदीक समझते हैं, तो उस समय अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को बुला करके उनसे कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न संख्या चार, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर किसने दिया? विदुर ने। धृतराष्ट्र ने जितना भी प्रश्न किया उन सभी प्रश्नों का उत्तर विदुर ने उचित दिया। प्रश्न पांच, प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न कौन है? प्रश्न और उत्तर रूप ग्रंथ रत्न कौन है? विदुर नीति। प्रश्न संख्या छ है हमारा, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो उत्तर हो जाएगा योग, अभ्यास से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। प्रश्न संख्या सात है, नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या। नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? विद्या है। नीति श्लोकाः पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। नीति श्लोकाः पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 10 पूछ देता है। नीति श्लोकाः पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, विदुर हैं। नीति श्लोकाः पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। प्रश्न संख्या 10, नरक के कितने द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के कितने द्वार हैं? 3 हैं। नरक के द्वारों की संख्या कुल कितनी है? 3 है, काम, क्रोध तथा लोभ। आया है ना, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। यानी काम, क्रोध और लोभ जो है नरक के द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, नीति श्लोकाः पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो हमारा उत्तर होगा उद्योग पर्व, उद्योग पर्व से संकलित है। प्रश्न संख्या 12 है, जिसके कार्य ठंडा, गर्मी, भय और प्रेम के कारण बाधित नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है? उसे पंडित, विद्वान कहा जाता है। जिसके काम ठंडा, गर्मी, भय और प्रेम के कारण बाधित नहीं होते, उसे क्या कहा जाता है? पंडित, विद्वान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? पंडित। उपायज्ञो हि मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। आया है ना, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला मनुष्य जो है पंडित कहलाता है, विद्वान कहलाता है। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? आया है, अनाहूतः प्रवेशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसेति, मूढ़चेता नराधमः। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? मूढ़, नराधम।
अब बिना पूछे कौन बहुत बोलता है, मूड नराधम है। अविश्वास नहीं करने योग्य पर कौन विश्वास करता है, वह भी मूढ़ और नराधम भी होगा। तीसरा पद्य ही आया है नीति श्लोक का हमें, अनाहूतः प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, अपृष्टो भवासते, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वस्ते विश्वसीति, नहीं विश्वास करने योग्य पर विश्वास करता है, मूढ़ चेता नराधम, वह मूर्ख है नरों में अधम है। प्रश्न संख्या 17 है, विनय को कौन मारता है, अकृति। अकृति जो है विनय को मारता है, विनम्रता को मारता है, अकृति माने अपजस होता। कैसे पुरुष किसी जगह सुलभ होते हैं, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, प्रियवादी, जो प्रिय बोलते हैं वह सभी जगह जो है सुलभ होते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएंगे। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, नीति श्लोका। प्रश्न संख्या 20 है, परम तृप्ति देने वाली क्या है, विद्या। विद्या एक ऐसी चीज है जिससे श्रेष्ठ तृप्ति मिलती है, और ये क्षणिक तृप्ति नहीं है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, विद्या। प्रश्न 21 है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए, 6 दोष हैं, षड दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूति मिक्षता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये 6 जो दोष हैं, इन दोषों को अपनी उन्नति चाहने वालों को त्याग देना चाहिए। सत्य की रक्षा किससे होती है, धर्म से होती है, धर्मेण रक्षते सत्यम, सत्यम। सत्य की रक्षा किससे होती है, धर्म से होती है, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। असत्य की रक्षा किससे होती है, तो धर्म से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से होती है, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो आया मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा जो है उबटन से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, मृजया से, उबटन से होती है। और प्रश्न संख्या 25 है, कुल की रक्षा किससे होती है, तो आया कुलम ब्रीते न रक्षते, कुल की रक्षा हमारे वृत्त से, हमारे आचरण से होती है। और प्रश्न संख्या 26 है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाने वाले होते हैं। घर की शोभा कौन है, स्त्रियाँ, स्त्री जो है घर की शोभा है। और प्रश्न संख्या 28 है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, धर्म को कहा गया है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, धर्म को। और प्रश्न संख्या 29 है, उत्तम शांति क्या है, क्षमा, क्षमा उत्तम शांति है। आचार का हनन किससे होता है, आचार का हनन किससे होता है, क्रोध से होता है। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि आचार का हनन किससे होता है, तो क्रोध से होता है। और प्रश्न संख्या 31 है, घर की लक्ष्मी कौन है, तो स्त्री है। और प्रश्न संख्या 32, नीति श्लोका पाठ के अनुसार विशेष रूप से हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों की। आया भी है पूजनीया महाभागा पुण्या च गृह दीप्तया, स्त्रिय श्रियो गृहस्य तस्मात् रक्षा विशेषतः। नीति श्लोका पाठ के अनुसार विशेष रूप से हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों की। और हमारे बुरे लक्षणों का कौन नाश करता है, आचरण। हमारे बुरे लक्षणों का कौन नाश करता है, आचरण। प्रश्न संख्या 34 कहता है, विदुर कौन है या कौन थे, महामंत्री। प्रश्न 35, उत्तम शांति क्या है, क्षमा। और प्रश्न संख्या 36 है कि किसे 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, पुरुष को, बताया ना, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग पुरुष को कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने इस पाठ का भी अध्ययन कर लिया, नीति श्लोका का। यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर हम अब इसके आगे मिलेंगे आपसे अष्टमह पाठ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।